हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरी मम्मी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्लेट में टिंडे रखे हुए हैं। मेरी मम्मी ने इसको पहले से ही वॉश कर लिया है, इसके छिलके छील लिए हैं और इसको बीच में से कट भी कर लिया है। देखिए, चार इसमें कट लगाए हैं इसमें ऐसे ऐसे। अब मेरी मम्मी इसको भर के बनाएंगी, वो भी मसाले, इसमें पाउडर मसाले मिक्स करेंगी और उसको इसके अंदर फिल करेंगी। पाउडर मसाले में यहाँ पे मेरी मम्मी ने नमक लिया है स्वाद अनुसार, लाल मिर्च ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी ली है और आधी चम्मच धनिया और यहाँ पे गरम मसाला। और इसी में मिक्स कर देंगे बेसन। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तेल डाल के इसको मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को और हमारे टिंडों में फिल कर देंगे। बेसन इसलिए डाला है गाइस ताकि मसाला चिपक जाए, निकले ना, इसलिए बेसन थोड़ा सा डाला 1 चम्मच। अब मेरी मम्मी ने 1 चम्मच और इसमें मिक्स कर दिया ऑयल। ये देखिए इसका थिक पेस्ट बन गया है। अब इसे मेरी मम्मी अपने टिंडों में फिल कर देंगी। देखिए इस तरीके से आपको टिंडे लेने और इसे थोड़ा थोड़ा फिल करना है इसमें। ऐसे ही सारे टिंडों में हम फिल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने सारे टिंडों को अच्छे से मसाले से फिल कर लिया है और इसके बैक साइड से भी कट लगाया था मेरी मम्मी ने, देखिए। तो यानी कि इसके सारी तरफ मसाला एकदम फेल हो गया है। तो चलिए, अब इसमें कोई प्याज टमाटर नहीं हम मिलाएंगे, सीधा तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मेरी मम्मी ने। अब ऑयल 1 बड़ा चम्मच के आसपास मेरी मम्मी ने यहाँ पे ऑयल लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें टिंडे ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसको लो फ्लेम पे मेरी मम्मी इसको ऐसे ही पकाएंगे, इसको ढक्के नहीं रखना है और साइड साइड से इसको पलट कर रहना है और हमारे टिंडे बन जाएंगे। और ऐसे आप बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बन जाते हैं। तो इसको पकने में 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं इसको, बस इसको पलटते रहेंगे साइड साइड से ताकि ये और जगह से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो गाइस, ये देखिए हमारे भरवा टिंडे मसालेदार एकदम रेडी हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से अंदर तक पक गए हैं ये, और झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए ऐसी रेसिपी। और अगर आपको मेरी मम्मी की रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ ऑन टाइम मिलती रहे।